दोस्तों स्वागत है चैनल सुपर के साथ आपके सामने मौजूद यहां पर चैनल के सबसे बड़ी अपडेट ना बताएंगे। दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा में फिर से रोड़ा अटकाने की कोशिश की जा रही है, बताएंगे क्या है पूरा मामला, कौन सी राज्य की बीजेपी सरकार ने यह हरकत की है। दोस्तों इसके साथ में तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, बताएंगे दो पूर्व विधायकों के साथ में बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी है। साथ साथ बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुले तौर पर बगावत करने के संकेत दिए हैं, बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने। दोस्तों और जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया गठबंधन के बड़े नेता को ईडी का नोटिस थमाया गया है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर पूरे देश भर के अंदर भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारने चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि असम की सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को असम के अंदर रात्रि विश्राम की इजाजत नहीं दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी अब रात्रि विश्राम के लिए नए वैकल्पिक जगहों की तलाश कर रही है। इसके लिए निजी प्रॉपर्टी में रात्रि विश्राम की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने बताया कि धेमाजी जिले के अंदर गोगामुख के अंदर स्कूल में मैदान पर रात्रि विश्राम के लिए कंटेनर वाहनों के पार करने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन शुरुआत में इजाजत दे दी गई लेकिन अंतिम समय में आकर मंजूरी को वापस ले लिया गया है। इसी तरीके से जोरहाट के अंदर एक कॉलेज के खेल मैदान में रात्रि विश्राम के लिए मांग की गई थी लेकिन सरकार ने वहां भी इजाजत नहीं दी है। बीजेपी हमारे मार्च करने के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन कर रही है जबकि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अब हम लोगों और प्राइवेट फार्म से मदद मांग रहे हैं ताकि हम लोगों को रात्रि विश्राम के लिए कहीं जगह मिले। यानी दोस्तों इतनी लंबी भारत जोड़ो यात्रा हो रही है तो रात में रुकना भी पड़ेगा, रात में रुकने के लिए अगर इजाजत नहीं दी जाएगी तो इसका सीधा मतलब यह है कि प्राइवेट जगह ढूंढनी पड़ेगी सभी लोगों के लिए। यानी बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन की भारत जोड़ो यात्रा में लोग आने वाले हैं तो सबको ठहराने के लिए पहले एक बड़ा सा तिरपाल लगाकर लोगों को एक जगह रखा जा सकता था लेकिन अब अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में एक तरीके से विघ्न डालने का प्रयास किया जा रहा है, पार्टी के इंतजाम को और ज्यादा महंगा करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो इस तरीके की पूरी चुनौतियों के लिए तैयार है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर सरकार ने भी परमिशन नहीं दिया था, एन बीरेन सिंह के पास मामला पहुंच गया था लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव में कुछ शर्तों के साथ में कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की इजाजत दी गई है। ऐसे में दोस्तों क्या असम के अंदर भी सेम रणनीति अपनाई जा रही है, क्या हेमंत विश्व शर्मा के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है? कांग्रेस अपने नेताओं से इंतजाम करने के लिए कह रही है। साथ साथ तेलंगाना बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, पूर्व मंत्री मुकेश गौड़ा के बेटे विक्रम गौड़ा ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। हैदराबाद के गोसा महल निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले युवा नेता ने अपना इस्तीफा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी कृष्ण रेड्डी को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता विक्रम गौड़ ने पार्टी से इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि पार्टी में उनको उचित स्थान नहीं दिया जा रहा था। इस्तीफे के ऐलान के साथ ही उन्होंने लिखा कि जमीन पर सक्रिय रूप से काम करने के बावजूद पार्टी के भीतर कोई महत्वपूर्ण भूमिका या जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। उन्होंने कहा कि गोसा महल विधानसभा क्षेत्र से टिकट के इच्छुक थे लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने राजा सिंह का निलंबन रद्द करके टिकट दे दिया। युवा नेता ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के बाद लोकसभा चुनाव से पहले भी पार्टी उनके जैसे नेताओं की चिंता को दूर करने में विफल रही है। कुल मिलाकर दोस्तों उनके साथ में और भी कई लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि उनके साथ में दो पूरे विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। साथ साथ बता दें कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता ने बगावत करना शुरू कर दिया है। कर्सियांग से बीजेपी के विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने एक बार फिर से भूमि पुत्र के मुद्दे को सामने रखा है। बीजेपी विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग लोकसभा सीट से बीजेपी के द्वारा किसी बाहरी उम्मीदवार को उतारा तो वो खुद उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, यानी वो खुद से मैदान में उतरेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। उनकी इस टिप्पणी के बाद पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा हलचल बढ़ चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी बाहरी उम्मीदवार को फिर से मैदान में उतारा गया तो वो निर्दलीय मैदान में उतर जाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इससे पहले कई बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार बनाए, चाहे SS आलूवालिया हो या फिर राजू बिस्ता हो, ये सारे के सारे लोग बाहर के बताए जाते हैं, यानी दार्जिलिंग क्षेत्र के नहीं है, बाहर से बुलाकर उम्मीदवार बनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले को लेकर ईडी की ओर से बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर हुए हेरा फेरी के मामले को लेकर बुलाया गया है। दोस्तों देखते हैं फारूक अब्दुल्ला से क्या कुछ बातें की जाएगी, उनसे क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन पार्टी का हिस्सा है फारूक अब्दुल्ला और उनको मिला नोटिस कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए चिंता और ज्यादा बढ़ाएगा कि जानबूझकर क्या ईडी का नोटिस दिया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दरअसल दोस्तों ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में फंड की अनियमितता को लेकर CBI और ईडी दोनों मामले की जांच को लेकर नोटिस थमाया है। 86 वर्ष के फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे। 2004 और 2009 के बीच में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों सहित कई लोगों पर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का आरोप लगा था। ईडी ने एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ CBI की ओर से 2018 में चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद।